क्वेश्चन नंबर 26 है जी, कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ सी इफ द वेक्टर्स यू एंड वी आर परपेंडिकुलर। अगर यू और वी परपेंडिकुलर हैं तो क्या निकालो, सी निकाल दो। दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं अगर उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो। दो वेक्टर्स का डॉट जीरो हो तो वो परपेंडिकुलर होते हैं, या परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या है कि उनका डॉट जीरो होना चाहिए। अब यू और वी के जो वैल्यूज ने दी हुई हैं वो हम लिख लेते हैं, सी आई -2j प्लस के। ये यू का वेक्टर आ गया, डॉट वी का भी 2ci प्लस cj -4k इक्वल टू जीरो। कंडीशन के मुताबिक हमने डाटा लिख लिया, ठीक है जी। अब आई वाले कंपोनेंट को आई से, ये सी है और ये 2c है, तो ये क्या हो जाएगा 2c² जे वाला जे सी। यहाँ सी है, यहाँ -2 है तो -2c। यहाँ के -4 है, यहाँ 1 है तो -4 इक्वल टू जीरो। 2 कॉमन आ रहा है तो बाकी आ जाएगा c² -c -2 2 4 इक्वल टू जीरो। इसकी तेजी कर लें, पहली वैसे ही लास्ट वाली वैसे ही, 2 की करनी है 1 है तो -2c प्लस c। 2 इधर ले आए वो वाला तो डिवाइड हो जाएगा, पहले में से c कॉमन तो c -2, फिर 1 कॉमन तो c -2 इक्वल टू जीरो। सी -2 सी +1, ठीक है। एक में c² आ जाएगा और एक में c -1 आ जाएगा, ठीक है जी। ये था क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, समझ आ गई होगी मेरा ख्याल। आगे देखें, आगे क्वेश्चन नंबर 27 है, कहता फाइंड द वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट अलोंग स्ट्रेट लाइन फ्रॉम दिस टू दिस और फोर्स दी हुई है। वर्क डन जो होता है उसका फार्मूला होता है F.D, ठीक है। अब D हमने निकालना है, D हमने क्या करना है, और D बराबर है AB। दो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, यहाँ मेंशन कर लेते हैं, एक हम A कह लेते हैं, 3 2 -1 जो पहला पॉइंट है, और दूसरे पॉइंट को हम क्या कह देते हैं B, और वो क्या है 2 -1 3। ये देखें ना, बुक सामने रखें आप, तो ए बी हम वेक्टर निकालते आए हैं, ये कैसे आएगा B माइनस ए, यानी आगे वाले वेक्टर में से पीछे वाला माइनस करके, तो 2 -3 -1 -2 3, और ये -1 है ना तो +1 हो जाएगा, तो -1 -3 और ये 4, ठीक है। ये आ गया हमारा ए बी वेक्टर, तो वर्क डन F.D, F दिया हुआ हमें 4i -3j +2k, ये आ गया डॉट डी, ये है, इसको भी मैं आई जे के फॉर्म में लिख लेता हूँ, -i -3j +4k, ठीक है। आई वाले कंपोनेंट को आई से, जे वाले को जे से, के वाले को, तो 4 -4 1 4 -3 3 9 2 4 8, ये आ गया 13, ठीक है। तो ये जी वर्क डन हमने फाइंड कर लिया, ओके।